अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फैसल। आज मैं आपको एक नई जॉब के बारे में बताऊंगा जो कि जैज़ कंपनी में अनाउंसमेंट हुई है। आपने अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, मैं आपको मुकम्मल तरीक़ाकार एक ही वीडियो के अंदर सिखाऊंगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली आपको नौकरियों की सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है और साथ में आपको तरीका भी सिखाया जाता है कि आपने अप्लाई कैसे करना है। अगर आप हमसे अप्लाई कराना चाहते हैं या आप CV बनवाना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप उसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे ऐड दिखाऊंगा, नेक्स्ट मैं आपको इसके अंदर तरीका बताता हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है और इसकी सिलेक्शन कैसे होती है। आगे चल के मैं आपको मुकम्मल यहाँ पे बताता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट है जैज़ कंपनी वालों की। जब आप इसके ऊपर आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक पूरी लिस्ट मिलेगी, ये लेटेस्ट जॉब है जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर फर्स्ट टाइम इन्होंने रखा हुआ है कि अगर आपकी तालीम इंटरमीडिएट भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक का तरीका बताता हूँ। नेक्स्ट अगर आपने एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना हो तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है कि आपने किस जॉब के लिए अप्लाई करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे ऑप्शन आएगा रीड मोर, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जॉब की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। और इसकी लास्ट डेट की बात करें तो आपने यहाँ पे 12 दिसंबर 2024 तक अप्लाई करना है। तो उसके बाद आपने थोड़ा सा नीचे आना है तो फिर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर दिस जॉब, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। और नेक्स्ट ये फिर आपको उस पोर्टल के ऊपर ले जाएगा जहाँ से आपका अप्लाई होगा। तो जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, आपको सेम इसी तरह यहाँ पर इंटरफेस नज़र आएगा और यहाँ से आपने अप्लाई करना होगा। तो दूसरे खाने के अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा जैसे कि आप देख लें, लेकिन उससे पहले भी आपने मज़ीद चीज़ें यहाँ पे नोट कर लेनी है, देख लेनी है और देखने के बाद फिर आपने अप्लाई करना है। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट चलें तो यहाँ पे अप्लाई फॉर दिस जॉब के ऊपर आपने क्लिक करना है और आपके सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म आ गया। इस फॉर्म को आपने फिल करना है और फिल करने के बाद आपका अप्लाई होगा। जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपसे पूछेंगे, आपने अपना नाम लिखना है, फुल नेम, उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम आपने लिखना है, ईमेल एड्रेस आप अपना लिखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं तो अगर आपने यहाँ पे फोटो अपना लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, अगर स्किप करना है तो आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आपने परमानेंट एड्रेस अपना लिखना है, एड्रेस यहाँ पे बताना है जिसके ऊपर आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू आपका ब्रांच के अंदर होगा। तो नेक्स्ट चलें तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर आप लिखेंगे, उसके बाद आईडी कार्ड नंबर आपने लिखना है, डेट ऑफ बर्थ आप लिखेंगे, जेंडर इसके अंदर मेल भी अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल भी अप्लाई कर सकती हैं। तो यहाँ पर आप देख लें आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे। नेक्स्ट चलें तो आपको यहाँ पे अकेडमी के बारे में पूछेगा, आपकी तालीम के बारे में। तो इसके अंदर आपको यहाँ पे इंटरमीडिएट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके इजी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी भी आपको एजुकेशन सारी मिल जाएंगी, आपने देख लेनी है। देखने के बाद नीचे यहाँ पे आपसे पूछेगा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बारे में, अगर आपके पास है तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरह आप चलेंगे यहाँ पे देख लें, आपको तालीम सारी मिल जाएंगी, आपने देखनी है। तो देखने के बाद मज़ीद नीचे जाएँ तो आपसे ये प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बारे में पूछेगा और यहाँ पे आपने अपनी CV लगानी है PDF में और थोड़ी सी समरी आपने लिख देनी है। तो लिखने के बाद नेक्स्ट चलें तो आपको यहाँ पे रेफरेंस के बारे में पूछेगा, अगर आपका यहाँ पे जैज़ कंपनी में कोई रेफरेंस है, कोई जानने वाला है, आप उनके बारे में बता सकते हैं। तो उसके बाद कवर लेटर के बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं और यहाँ पर आपको लास्ट पे ऑप्शन मिलेगा सबमिट एप्लीकेशन, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। अभी जब आपका यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा फिर आपको ये शार्टलिस्ट करेंगे और शार्टलिस्ट करने के बाद ब्रांच के अंदर बुलाएंगे और ब्रांच के अंदर सबसे पहले आपका इंटरव्यू होगा और नेक्स्ट आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। और इसके अंदर आपकी सैलरी की बात करें तो स्टार्ट में 50,000 रुपये आपकी सैलरी होती है और नेक्स्ट आपकी तालीम के मुताबिक सैलरी लगाते हैं। तो उम्मीद आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इस तरह की अपडेट मिलती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।